हेलो हॉरर मूवी फैंस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है विश अपॉन। ये एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जो 2017 में रिलीज हुई थी। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम जॉना होता है, जो एक मिस्टीरियस सामान को छुपा रही थी। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम क्लेयर होता है, और वो उसे साइकिलिंग करने के लिए बाहर भेज देती है। जब क्लेयर वापस आती है तो वो देखती है उसकी माँ ने फैन से लटक कर सुसाइड कर लिया है, और इसी के साथ क्लेयर की नींद खुल जाती है। इस घटना के इतने साल के बाद भी उसके मन से सुसाइड की विजन्स नहीं जा रहे थे और वो इस सब से परेशान हो चुकी थी। कहानी में आगे बढ़ते हुए हम क्लेयर के फादर को देखते हैं जिनका नाम जोनाथन होता है। वो अपने दोस्त के साथ सिटी के डंप यार्ड में कचरा उठाने का काम करते हैं। अब हम क्लेयर को अपने स्कूल में जाते देखते हैं, और वो स्कूल जाते समय अपने अंकल को रोज पेपर देती है। उसके अंकल एक बहुत अमीर इंसान थे। स्कूल जाते टाइम डार्सी अपने कार से क्लेयर को धक्का मार देती है जिससे वो गिर जाती है। असल में डार्सी और क्लेयर के बीच बिल्कुल नहीं बनती और वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ हम स्कूल में क्लेयर को पॉल को देखते हुए देखते हैं, क्योंकि वो पॉल को पसंद करती थी। लेकिन पॉल स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है जिसे बहुत लड़कियां पसंद करती है, और उसके लिए क्लेयर एक नॉर्मल लड़की थी। डार्सी हमेशा क्लेयर के काम को खराब करने में लगी रहती है, और फिर स्कूल में क्लेयर डार्सी को पिंग करने लगती है जिससे उन दोनों में फाइट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जोनाथन और उसके दोस्त को देखते हैं जिनको एक बॉक्स मिलता है जिस पर चाइनीज में कुछ लिखा हुआ होता है। उसके बाद जोनाथन उसे अपनी बेटी को गिफ्ट करने का सोचता है। जब क्लेयर घर आती है तो उसे बॉक्स देकर जोनाथन कहता है, ये तुम्हारा गिफ्ट है। क्लेयर को चाइनीज पढ़ने आता था क्योंकि वो चाइनीज लैंग्वेज के क्लासेस लिया करती थी। जब वो बॉक्स पे लिखे गए टेक्स्ट को पढ़ने लगती है तो उस पे लिखा था कि इससे तुम कोई भी 7 विश मांग सकते हो और वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन उसे उस बॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो अपनी पेंटिंग करने लग जाती है। और तभी उसे मैसेज आता है जिसमें डार्सी ने उन दोनों की फाइट का पोस्ट अपलोड कर दिया था, और साथ ही उसके फादर का फोटो भी अपलोड कर दिया था जिसमें वो गार्बेज यानी कचरा उठा रहे थे। और ये सब देखकर वो बहुत अपसेट हो जाती है, और तभी उस बॉक्स को पकड़कर वो कहती है कि डार्सी सड़कर मर जाए, और ऐसा कहकर वो सो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि डार्सी का चेहरा धीरे धीरे सड़ने लगा है, और तब उसे यकीन हो जाता है कि उस बॉक्स में लिखा हुआ सच में सही है। तभी वहाँ डार्सी के फ्रेंड्स आते हैं जो डार्सी के लिए फंड रेज करने के लिए कहते हैं, जिन्हें क्लेयर की दोस्त मेरेडिथ डांट कर भगा देती है। अब क्लेयर घर पे होती है जहाँ उसका डॉग मैक्स नहीं मिल रहा होता है। जब वो उसे ढूंढने निकलती है तो वो उसे मरा हुआ मिलता है, और इससे एक बात साफ हो जाती है कि उस बॉक्स से मांगे हुए विश के बदले में किसी अपने की जान देनी होगी। और अगले दिन उसी बॉक्स का फोटो लेकर वो अपने चाइनीज टीचर को दिखाती है, बट उन्हें एंशिएंट चाइनीज नहीं आता था, तो वो क्लेयर को किसी स्कॉलर से मिलने का बोलते हैं। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रायन था। वो उसे बोलता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि वो क्लेयर को पसंद करता था, और उसे बताता है कि उसकी कज़िन जीना एंशिएंट चाइनीज जानती है, लेकिन क्लेयर उसे मना कर देती है। अब उसी रात क्लेयर और एक विश मांगती है कि पॉल उसके प्यार में दीवाना हो जाए, और अगले ही दिन सुबह पॉल उसके पीछे पड़ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। जब वो घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसके अंकल की डेथ हो गई है, बट अभी तक वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ये सब उसी बॉस के वजह से हो रहा है। अब वो और एक विश मांगती है जिसमें वो बोलती है कि अंकल की सारी जायदाद उसके नाम पर हो जाए। तभी उसके डैड उसे बताते हैं कि अंकल ने जाने से पहले उनकी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो गरीब नहीं रहेगी। वो अपने डैड के साथ अंकल के घर में शिफ्ट हो जाती है। अब क्लेयर बहुत अमीर हो चुकी थी और अपने लाइफ को बहुत इंजॉय कर रही होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम क्लेयर के नेबर आंटी को देखते हैं जो अपने किचन के सिंक को साफ करने के लिए ग्राइंडर को ऑन करती है, और उसी में उनके बाल अटक कर उनकी बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है। अब क्लेयर उस बॉक्स पर लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश करती है, बट पढ़ नहीं पाती, जिसकी वजह से वो रायन के साथ उसकी कजिन जीना से मिलने जाती है, जो उसे बताती है कि अगर तुमने इस बॉक्स को फेंका या जलाया तो तुम्हारी सारी विश
रिवर्ट हो जाएंगी। उस बॉक्स पर एक लेडी का नाम होता है लुई मिंग। अब ये लोग उसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ने लगते हैं और जीना क्लेयर को बताती है कि लुई मिंग एक क्वीन थी और एक फ्लू को फैलाने की वजह से वहाँ के लोगों ने उसकी फैमिली को मार दिया था, लेकिन वो बच गई और उस बॉक्स को लेकर किसी शैतान के पास जाकर वहाँ प्रेयर करने लगी और धीरे धीरे अमीर हो गई। लेकिन उसकी मौत सुसाइड की वजह से हुई थी। उसी साइट पर रायन को एक नंबर दिखता है जो जीना अपने दोस्त माइक को भेजती है और उसके बारे में पता करने को कहती है। घर वापस आते समय क्लेयर को उसके डैड मिलते हैं जो कचरा साफ कर रहे थे और क्लेयर ये देखकर बहुत शर्मिंदा हो जाती है। अब घर आकर क्लेयर अपना फोर्थ विश मांगती है कि उसके डैड वो जॉब छोड़ दे। उसी रात माइक जीना को मेल करता है कि वो बॉक्स बहुत खतरनाक है, पर जब जीना क्लेयर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो मोबाइल नेटवर्क ना होने की वजह से उसका कॉल नहीं लगता और तभी बालकनी से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। जीना जब अपने रूम में वापस आती है तब एक्सीडेंटली उसकी मौत हो जाती है। अब रायन कज़िन का फ़ोन ट्राई करते हुए उसके घर पहुंचता है, तब उसे जीना मरी हुई दिखती है। वो वहीं से सीधा स्कूल जाता है और क्लेयर को जीना के मरने की बात बताता है और उसे पूछता है कि क्या कल रात तुमने कोई विश मांगी थी, जिस पर क्लेयर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, जिससे रायन समझ चुका था कि इसके पीछे हो ना हो वही बॉक्स है। अभी क्लेयर के साथ वही हो रहा था जो उस क्वीन के साथ हुआ था। उसके विश की वजह से उसके जानने वालों की जान जा रही थी। अब हम क्लेयर को देखते हैं जो अपने दोस्तों को छोड़कर पॉल के साथ बैठी थी। तभी वहाँ पॉल की एक्स गर्लफ्रेंड आती है जो क्लेयर से कहती है कि कपड़े बदल लेने से कोई फेमस नहीं हो जाता। फिर घर जाकर क्लेयर अपना फिफ्थ विश मांगती है कि वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाए। तभी उसको पॉल का मैसेज आता है जिसमें वो क्लेयर को पार्टी के लिए इनवाइट करता है। जब वो पार्टी में जाती है तो सब उसको बहुत रिस्पेक्ट देने लगते हैं। वो उस पार्टी को बहुत इंजॉय करती है। जब क्लेयर घर आकर सोती है तो फिर से उसे उसकी माँ के सुसाइड विजन आने लगते हैं और वो उठ जाती है, लेकिन तभी बाहर उसे कोई दिखता है। पर जब वो बाहर जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तब उसके डैड उसे पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रही है, जिस पर वो बोलती है जब से उसके पास वो बॉक्स आया है तब से कोई उसका पीछा कर रहा है और उस बॉक्स को चुराना चाहता है। अब अगले दिन वो उस बॉक्स को छुपा देती है। वो बड़े टेंशन में थी इसलिए वो अपने नेबर आंटी से मिलने जाती है। तभी क्लेयर उन्हें वहाँ मरा हुआ पाती है और उसे समझ आता है कि ये सब उस बॉक्स और उसके विश के वजह से हो रहा है। वो उस बॉक्स के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताती है तो वो उसे उस बॉक्स को फेंकने का बोलते हैं, लेकिन क्लेयर बोलती है कि अगर उसने उस बॉक्स को फेंका तो उसकी सारी मांगी हुई विश रिवर्ट हो जाएंगी, जिस पर उसके फ्रेंड्स उसे सेल्फिश कहते हैं और बोलते हैं कि उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। क्लेयर ये सुनकर उस बॉक्स को फेंकने जाती है, बट फिर अपना डिसीजन चेंज करते हुए उस बॉक्स को नहीं फेंकती। अब अगले रात जब क्लेयर पॉल के साथ पार्टी में जाती है तो उसके फ्रेंड्स मेरेडिथ और जून वहाँ आकर उसे उस बॉक्स के बारे में पूछते हैं, तो क्लेयर कहती है कि मैंने उस बॉक्स को फेंक दिया। पार्टी में क्लेयर और पॉल इंटीमेट हो जाते हैं। वहाँ उसे पता चलता है कि उसे स्टॉक करने वाला और कोई नहीं पॉल है, तो वो नाराज़ होकर उसे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लेयर उसके दोस्तों के साथ मॉल जाती है, जहाँ मेरेडिथ किसी वजह से अकेले टॉप फ्लोर पर जाती है और क्लेयर जून को बताती है कि उसने अभी तक उस बॉक्स को नहीं फेंका। नेक्स्ट सीन में हम जोनाथन को देखते हैं जो अपनी गाड़ी का पंक्चर ठीक कर रहा था। तभी उसका वहाँ एक्सीडेंट होने वाला था लेकिन वो बच जाता है। लेकिन मेरेडिथ जिस लिफ्ट में थी उसका वायर टूटता है और मेरेडिथ की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके बाद जूद क्लेयर को कहती है कि मेरेडिथ की मौत की जिम्मेदार तुम ही हो और वहाँ से चली जाती है। अब हम नेक्स्ट सीन में रायन को देखते हैं जिसने उस बॉक्स पर रिसर्च किया था। अब वो क्लेयर को बताता है कि उस बॉक्स से औरों की जान तो जाती ही है, बट जो इंसान उसे यूज कर रहा है उसकी भी जान जाएगी। अब ये सुनकर क्लेयर उस बॉक्स को छुपा देती है। तभी पॉल उसके घर आकर उसे मनाने की कोशिश करता है और जब क्लेयर नहीं मानती तब पॉल अपने हाथ की नस को काट लेता है, लेकिन उसके डैड वहाँ एम्बुलेंस लेके आते हैं जिससे पॉल की जान बच जाती है। अब नेक्स्ट डे जब रायन और क्लेयर उस बॉक्स को चेक करते हैं तो वो गायब हो चुका था, जिस पर रायन बोलता है कि शायद उस बॉक्स का काम ख़त्म हो चुका है और इसीलिए वो गायब हो गया।
जब क्लेयर स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि उस बॉक्स को जून ने चुराया है, क्योंकि उसे लगता था कि उस बॉक्स की वजह से उसकी भी मौत होगी। पर क्लेयर किसी तरह से उस बॉक्स को लेकर घर जाती है और अपना सिक्स विश मांगती है, जिसमें वो अपने माँ को वापस मांगती है। और होता भी वही है, उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उसके साथ अपना बर्थडे मनाती है। जब क्लेयर अपनी माँ की पेंटिंग देख रही थी, तब उसे उसकी एक पेंटिंग में वही बॉक्स नज़र आता है और वो समझ जाती है कि आज वो जिस हाल से गुजर रही है, कभी उसकी माँ भी गुजरी थी। अब क्लेयर अपने घर से बाहर देखती है, जहाँ उसके डैड एक पेड़ को काट रहे थे। जैसे ही क्लेयर उन्हें बचाने जाती है, उसके डैड सीढ़ी से स्लिप हो जाते हैं और उस ट्री कटर से उनकी मौत हो जाती है। अब क्लेयर भागते हुए उस बॉक्स के पास आती है और अपनी आखिरी विश मांगती है कि वो उस समय में वापस चली जाए जब उसे ये बॉक्स नहीं मिला था और वो उसके डैड के साथ फिर से एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। और होता भी यही है, जब वो नींद से उठती है तो वो सबसे पहले उस जगह पर जाती है जहाँ उसके डैड को वो बॉक्स मिला था, और वो उसे रायन को देकर उसे कहीं दूर फेंकने का कहती है। फिर वो रायन को किस करके उसे प्रपोज करती है। जैसे ही वो वहाँ से रोड क्रॉस करती है, तो डार्सी के गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होकर वो वहीं मर जाती है, क्योंकि उसने अपनी सारी विशेष मांग ली थी, इसलिए वो बॉक्स उसकी भी जान ले लेता है। फिल्म की आखिरी सीन में हम रायन को देखते हैं जो उस बॉक्स को फेंकने जाता है, पर उस बॉक्स पर लिखे 7 विश पूरे होने की बात को पढ़कर वो उसे नहीं फेंकता, और मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो कहती हूँ आपको अलविदा विद वादा कि ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।